मेरे भाई लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एंड यार सबकी रैंक पुश बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। अब यार आज ना रैंक पुशिंग का डे टू एंड है। आपकी रैंक एंड टीयर क्या चली एक बार यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड अभी के लिए आप ना कौन सा मोड खेलो एंड आपका मतलब टारगेट क्या है कि कितने दिन में आपको कॉन्करर लगाना है वो भी यार आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर आपको रैंक पुशिंग से लेके कोई भी यार दिक्कत परेशानी आ रही हो तो अगर आपको उससे मतलब कुछ भी यार जानकारी चाहिए तो आप मेरे को यार वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अभी के लिए मेरा टारगेट तो ये है कि यार मैं लगभग 3 से 4 दिन में कॉन्करर लगा दूं। तो आपका क्या टारगेट है यार वो तो यार पक्का बता ही देना। सो अभी के लिए यार देखो मैं आपको ये वाली वीडियो में बात करने वाला कि कौन सा मोड आपको खेलना चाहिए, अभी के लिए कौन सा मोड अच्छा है, मतलब कि कौन से मोड में आपको अच्छा खासा प्लस मिले जिससे कि आपका यार फर्स्ट वीक के अंदर ही कॉन्करर लग जाए। तो अभी के लिए यार देखो जैसे कि मैंने यार कल पहले दिन के अंदर मैंने काफ़ी सारे मैचेस ना जो इवेंट वाला मोड है ना उसके खेले, बट वहाँ पे यार मेरे को मतलब थोड़ा अभी एक तो यूज्ड होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा तो उसमें भी यार 1-2 दिन लगेंगे तो उससे इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। एंड जो इवेंट है ना उसमें यार ना तो ऊपर किल मिल रहा है ना उससे कुछ फ़ायदा तो है नहीं। इससे बढ़िया तो यार जैसे कि अपन पिछले सीजन में जुजुत्सु काइसेन मोड खेले तो वो भी यार एक नॉर्मल मोड था। और हमें ना उसी मतलब नॉर्मल इरेंगल की आदत लगी हुई है तो उसकी वजह से यार आप कोशिश करो कि अभी के लिए ना जब तक आप क्राउन फर्स्ट या क्राउन थर्ड सेकंड तक आते हो ना तब तक आप यही नॉर्मल मोड खेलो। एंड उसके बाद अगर बाय चांस लॉबिया थोड़ा मतलब ढीले आने लगती है ना तो आप यहाँ पे इवेंट पे शिफ्ट हो सकते हो क्योंकि तब तक ज़्यादातर बंदे यार इवेंट पे शिफ्ट हो गए होंगे। एंड तब तक आप अपने दोस्तों के साथ अगर बाय चांस आप स्क्वाड वगैरह कुछ खेलते हो तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा मतलब उस चीज़ के यूज टू हो जाएगा तो उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी के लिए यार मैं तो ना ये वाला गेम प्ले भी नॉर्मल इरेंगल का रहने वाला है एंड मैं तो यार अभी के लिए नॉर्मल इरेंगल ही खेल रहा हूँ। और ये वाले गेम में ना मेरे को यार लगभग 38 का प्लस मिला था तो देखो अभी के लिए यार नॉर्मल इरेंगल में अच्छा खासा प्लस मिल रहा है। और यार ये वाले फिनिश के लिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक तो बनता ही है। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी होप तो खोई दी थी कि ये वाला बंदा अब नहीं उतरेगा बट इसके ना लास्ट वाली हेड पड़ गई। एंड आपका मतलब किस तरीके से आप कितने मैच खेल लो दिन में वो भी यार मेरे को आप बता सकते हो। तो यार अभी के लिए गेम प्ले की बात करें तो देखो अभी के लिए अपने इधर 4 फिनिश हो चुके थे और इधर मैं यार जोन के बिल्कुल ही एज पे होल्ड कर रहा था एंड इधर उधर बंदों को स्पॉट कर रहा था। तो मुझे यार दूर एक बंदा स्पॉट हो गया था तो इसको मैंने यहाँ पे स्प्रे नहीं लिया, इसको यार सिंगल शॉट से इजीली लॉबी पहुँचा दिया। अब जो जोन था ना वो मुझसे लगभग 10-15 मीटर ही आगे था। और यार कोशिश किया करो ना अगर आप जोन के एच पे हो तो उसके बाद यार एच टू एच खेलो एंड उसके बाद सेंटर में जाने की कोशिश मत करो क्योंकि अगर आप एच टू एच खेलोगे ना तो एक तो आपको जो जोन के अंदर बंदे ना वो भी स्पॉट हो जाएंगे एंड जो बाहर से बंदे आएंगे ना आप उनका भी गेट कीप ईजिली कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छे खासे फिनिशेज भी मिलेंगे जिसका फ़ायदा कि आपको अच्छे खासे प्लस में देखने को मिलेगा। तो देखो जैसे कि मैं अभी यार यहाँ पे बिल्कुल ही एज पे होल्ड कर रहा था एंड जाने के लिए यार मैं कहीं पे सामने की तरफ सेंटर की तरफ भी जा सकता था एंड उधर कवर बना के खेल सकता था बट ना तो उधर मुझे ज़्यादा फिनिशेस मिलने वाले थे एंड ना इधर अपने को ज़्यादा फ़ायदा होता। तो यार इसीलिए मैं बिल्कुल एज टू एज खेल रहा था एंड एक हाइट का एडवांटेज दिखा रहा था और यहाँ पे से मैंने अच्छे खासे यार फिनिशेस उठा लिए थे तो जिसका फ़ायदा मुझे यहाँ पे प्लस में देखने को मिलने वाला था। तो अभी के लिए यार जो जोन था ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था तो अभी के लिए जो सामने की तरफ बंदे मैंने अभी भरे थे ना इनकी जगह बिल्कुल एक अच्छी खासी जगह थी एंड इधर अभी इसकी बैग भी क्लियर हो रखी थी तो मैं यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा चांस था कि मैं यहाँ पे बग्गी उठा के जाऊँ एंड सीधा ये वाले बंदों की पेटियों की तरफ आ जाऊँ एंड यहीं पर थोड़ी देर होल्ड करूँ जब तक जोन आता है।
अब यार यहाँ पे ना मैं बिल्कुल ही जोन के एक अच्छे खासे एज पे आ चुका था, एंड इधर से भी जो बंदे थे ना वो ज़्यादातर कंपाउंड के अंदर ही थे। तो पहले तो मैं यहाँ पे बग्गी का एक ठीक ठाक कवर बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे भी यहीं से अपन खेलने वाले हैं। अब यार बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं, एंड मैं भी कई बार ये वाली गलती करता हूँ कि मैं सीधा मतलब कहीं पे भी जाके रोक देता हूँ। एंड पहले तो यार थोड़ा सा बग्गी को घुमाए करो जो भी आपके पास व्हीकल है, एंड वहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगाया करो कि पहले से कोई बंदा होल्ड ना करो ताकि वो आपको यार उतरते उतरते ना भर दे। तो इसीलिए यार जैसे कि मैंने ये वाले बंदे को भरा ना, ये वाला बंदा यार बिल्कुल ही अंधा यहाँ पे रुक गया, एंड इसका भी इजीली डब्बा बना दिया। अब जो जो अंदर ना वो सामने की तरफ शिफ्ट हो चुका था, तो मैं पहले तो यहाँ पे सामने की तरफ एक दो स्मोक कर देता हूँ, एंड यहाँ पे यार मैंने अच्छी खासी फर्स्ट एड भी उठा ली थी अगर बाई चांस यार यहाँ पे हिल बैटल का सीन होता है तो। अब यार देखो अब यहाँ पे कोई ऑप्शन था नहीं कि यहाँ पे आप ओपन में खेलो, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि यहाँ पे स्मोक करके ना अब यहाँ पे वेयर हाउस में पुश तो देना ही था। और वेयर हाउस में पुश देने के बाद ना यहाँ पे एक और बंदा इधर पुश दे देता है, एंड यहाँ पे एक और बंदा यार जो इधर सामने वाला ये नीला वाला कंटेनर था ना इसके अंदर लेटा होता। अब ये वाला बंदा यार बिल्कुल ही इसके अंदर खतरनाक वाला कैम कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे पैदल आता ना तो ये वाला बंदा मेरे को इधर आते आते ही भर देता, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्मोक करके एंड गाड़ी से यहाँ पे जोन के अंदर आया। और अब यहाँ पे यार 1v1 की फाइट बची थी, तो जो बंदा था ना वो सामने वाले घर से यार यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहा था, तो इसको मैंने आते आते एक हेड चिपका दी थी। और जो बंदा था ना उसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, बट ये वाला बंदा यहाँ पे थोड़ा सा यार दिमाग लगा के हेल्थ कर देता है, एंड इसके बाद इसको भी भरने का ना अपन अपना विनर विनर चिकन डिनर ले लेते हैं। एंड यार अब देखते हैं इस वाले गेम से अपने को देखो कितना प्लस मिलने वाला है। अब यार देखो ये वाले नॉर्मल एंगल में भी अपने को यार 38 का अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। एंड अगर आपको यार गेम प्ले पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं आपको इंटेंस गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।